जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो कर ही रही है, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर अपॉइंट हैं वो आपको पता है ही, वो अपनी देख रेख में मंगवाते हैं माल। लेकिन हमने एक ये चीज़ करी है कि एसोसिएशन की तरफ से 5-6 आदमियों की कमेटी बनाई है जो मार्केट में सर्वे करके हर दुकान पर ये देखती है कि माल कैसा आया है, लोग सफाई सुथराई का ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, किस तरीके से माल कटिंग हो रहा है, कैसे सेल कर रहे हैं, और जो लोग अवेयर नहीं उनमें अवेयरनेस ला रहे हैं। उसके अलावा भी हम ये चेक कर रहे हैं कि जो लोग माल को रात को माल लेके आए हैं क्या वो हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी मंडी में जो भी माल आता है वो वहाँ से हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आता है, हेल्दी बर्ड आते हैं, और जब वो हेल्दी बर्ड वहाँ से आते हैं तो यहाँ तो अनहेल्दी होने का मतलब ही नहीं होता, तो यहाँ सब ठीक है। और बाकी हम राउंड लगा रहे हैं, कोई भी दिक्कत होती है जो हमसे नहीं चीज़ संभलती, हाँ एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को बुला लेते हैं या APMC को बुला लेते हैं, चीज़ें कंट्रोल में हैं। मंडी में तो हमारी एक ही टीम है जिसमें मैं हूँ और दो डॉक्टर और हैं और हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है जो हम रेगुलर विजिट कर रहे हैं, और जो हमें इंस्ट्रक्शन है कि एक कीन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन रखा जाए जिससे कोई भी मास मॉर्टेलिटी अगर ऑब्जर्व होती है मुर्गे के अंदर, अगर किसी व्हीकल में बहुत सारे मुर्गे मरे हुए निकलते हैं तो उनको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और सैंपलिंग प्रॉपर तरीके से किया जाए उनका। सर अब तक कितनी टीमें बनाई गई हैं सरकार के द्वारा अगर रैपिड एक्शन टीम की बात करें तो? पूरी दिल्ली के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं रैपिड रिस्पॉन्स टीम की जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस कर रहे हैं अभी।